अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हमने माइक लगा है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादोबाद रखे और हमारे लिए दुआएं करते रहें। सो गाइज, आज हम हमजा खान की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आज अली रियाज पर रिएक्शन देंगे। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है, मैं फिर भी लेट हो गए हम लोग, आज हम उनकी रिक्वेस्ट को कम्प्लीट कर रहे हैं। तो उनका जो है स्टाइल उनका यूनिक है काफ़ी, मतलब टिकटॉक पर सबसे यूनिक उनका स्टाइल है, बहुत ही मज़े का। तो देखते हैं उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो ज्यादा दोस्त नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो दोस्त है उसे दोस्त भी ज्यादा देर तक चाहिए। ओ मैनू चढ़ पीना बिना मेरे यार, शराबी यार मोड़ दो। ये तो काफ़ी शेर व शायरी करते हैं ना उनकी, काफ़ी होती है, पर मज़े का इनका कंटेंट होता है, एडिटिंग भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत करते हैं। लोगों की बातें सुन के मायूस मत होना, क्योंकि जिन लोगों को आप पर्सनली जानते नहीं तो उनकी बातों को पर्सनली लेने की जरूरत ही नहीं है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल लोगों का काम है बातें करना, आप अपने काम से काम रखें, जो आप कर रहे हो बस ठीक है, आप ठीक है, आपको लगता है आप ठीक है तो बस आप ठीक है। एक लड़की पबजी में नूब हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी के साथ ऐसे खेलेगी जैसे कोई हैकर। नहीं हाँ जी, एक्चुअली कई लोगों को जो है आदत होती है इस चीज़ की, उनको पता नहीं क्या एक चस्का एक ऐसा मज़ा होता है कि वो जो है ना यार, अगर आपने किसी के साथ ऐसे सीरियस होना ही है तो किसी एक के साथ हो जाओ, क्यों किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं। तो मतलब होने तक सब यार है, यहाँ हर शख्स गद्दार है। राइट, माशाल्लाह देखें इनकी किस कैसे इन्होंने एडिटिंग की हुई है और कितना काफ़ी मज़ा आता है, बस वो जैसे एकदम से शेडो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, फिर पता नहीं हमारी दफा क्यों नहीं होता ये क्या बात, वीडियो एडिटिंग करते ठीक है ना, बनाए तो फिर हो जाएगा। अपने एटीट्यूड का भी एक अंदाज रखो, जब किसी को भूल जाओ तो बस दो लफ्ज याद रखो, तुम कौन जवान निकल ले। नाइस, अमेजिंग एटीट्यूड, ये भी इन्होंने सही कहा है, तुम कौन कौन, उन्होंने बोला ना कि दो लफ्ज याद रखो। अली भाई जी भाई, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है, तोड़ कर रख दिया प्यार ने, फिर साथ दिया तो बस जिगरी यार ने। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो है ना कभी भी कुछ भी हो जाए तो आपके फ्रेंड्स हमेशा जो है ना आपके साथ खड़े रहते हैं, लॉयल फ्रेंड्स, उनमें भी कुछ होते हैं ऐसे, पर सब नहीं। चले जाने से तुम हंसना मत छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ हंसते ही तुम्हें कुछ देके हैं। मैं मांगे तो हती तंदरुस्ती, सच्ची राती अब दो भी हाथ जोड़ के। नाइस कंटेंट, बहुत आला वीडियो, पॉजिटिव है उनका कंटेंट सब। अजी भाई जी भाई, आजकल के लोगों पे एक लाइन हो जे, शैतान से तो मुझे मेरे नेक अमाल बचा लेंगे, लेकिन ये मुनाफिकों की बस्ती से ऊपर वाला ही बचाए। इस पे मैं कोई अल्फाज ही नहीं है क्या कहें। अली भाई जी भाई, जहेज मांगने वालों पे एक लाइन हो जे, जहेज की खातर औरत जात को मत तड़पाओ, अगर तुम सच में असल मर्द हो तो उन्हें कमा के खुद खिलाओ। ये भी बिल्कुल ठीक है, पर इनकी वीडियो में एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे ये शुरू में जो भी वीडियो शूट कर रहा है वो बोलता है अली भाई, और ये जब आगे से बोलते हैं ना जी भाई, तो इतना एक प्यारा सा एक लगता है इनके मुंह से अल्फाज, ये बहुत प्यारे लगते हैं जी भाई।
जब ये कहते हैं तो काफ़ी इस तरह अल्लाह पाक इनको खुश रखे। सैड वीडियो भी होना तो इनके चेहरे पर स्माइल होती है, तो काफ़ी नाइस लगती है। स्माइल भी माशाल्लाह इनकी अल्लाह ताला ने इनको काफ़ी खूबसूरत जो है ना स्माइल दी हुई है। और लोगों में और हम में सिर्फ इतना सा फर्क है, लोग सैड होने पे व्हाट्सएप की डीपी रिमूव करते हैं और हम इंसान को पर मैं व्हाट्सएप पे डीपी अपनी लगाता हूँ जिसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये था कि आई एम सिंगल। क्या कहा? आई लव यू। माफ कीजिएगा वो दरवा, मेरी माँ भी जिंदा है तो किसी और के प्यार की जरूरत नहीं है। ये सब की अपने को जरूरत नहीं है। नाइस स्टाइल मजे का इनका। बिल्कुल, वो जो एंड में एक मुझे नहीं पता यार ये वीडियो में कैसे एंड पे कर लेते हैं, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि ये मैंने बहुत दवा ट्राई किया, पता नहीं क्या खर्च मार देती है मेरे से, होता ही नहीं है, बस अल्लाह ने ऐसी शक्ल ही नहीं दी। पर हम बात बैक की कर रहे हैं। अली भाई, जी भाई, बाप बेटी के प्यार में एक लाइन हो जाए, ये दुनिया एक खाली किताब है, कोई राज नहीं, और जिस बेटी के सर पे बाप का हाथ है उससे बड़ा कोई ताज नहीं। ये बात तो बिल्कुल ठीक थी। हमने वो बात करना एक ताले से सीखा है जो खुद तो टूट जाता है मगर चाबी कभी नहीं बदलता। कैसे इन्होंने सोचा होगा इसके बारे में? एक ताला खुद तो टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता, पर लोग उसकी डुप्लीकेट भी बना लेते हैं, बड़े चवल लोगों ने। तो कंटेंट अच्छा था, मैंने वैसे ही थोड़ी खच मार दी, पर बात बिल्कुल सही है। अरे कोई अरिजीत सिंह को जाके समझाओ कि चले जाते हैं लोग रिश्ता तोड़कर जब कोई नया मिल जाता है। ओ, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के बंदे को ढूंढना ही ऐसे चाहिए ना जो छोड़ के ना जाए। कुछ नहीं कहना नहीं, इस पे मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हेलो अली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी क्या? अरे इतनी भी अच्छी शक्ल का है मेरी, मैं बन जाऊं? इतनी बुरी भी नहीं है। एक्चुअली इनको तो फिर प्रपोजल आया और अब उनकी लाइफ में तो आया ही एटीट्यूड लड़कियों में काफ़ी है। नहीं मुझे में काफ़ी, इसलिए किसी में हिम्मत नहीं है मुझे प्रपोज करने की। अली भाई, जी भाई, जो लोग माँ की कदर नहीं करते उनके लिए एक लाइन हो जाए, सब लोग यही दुआ मांगते हैं कि उन्हें मरने के बाद जन्नत मिले, लेकिन पता नहीं क्यों जो जीते जी जन्नत मिली है लोग उसकी कदर नहीं करते। सो प्लीज फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, अपनी माँ का ख्याल रखा करें क्योंकि जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। जिंदगी एक सुहाना सफर है, इबादत कर लो क्योंकि ठिकाना कब्र है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ पैसे आ जाने से बंदे को अपना आप नहीं बदल देना चाहिए, क्योंकि जितना भी पैसा है, जितना भी आपका रुतबा है, वो इसी में ही है। ठीक है, आखिर में तो गरीब की भी कब्र ही है और अमीर की भी। एक कड़वा सच बता रहा हूँ, ये जिंदगी जब न जाती है ना तो ये डीजे वाले अपने ही हुआ करते हैं। ये स्टाइल शायद में ना अमेजिंग है। हाँ बिल्कुल, जो है ना एक यूनिक स्टाइल हैं वो सब बनाते सब हैं। ठीक है, पर सब के अच्छे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता किसी का बुरा है, पर मैं ये कह रहा हूँ हमारा नहीं होगा, बस थोड़ी सी जलन। तो बस अगर आप ये वीडियो देखना चाहो आके ने टीच कर दें कि कैसे नहीं, नहीं, कर मैं रहे हैं। बस जिम ज्वाइन करने लगा हूं, बस मैं भी कुछ करता हूं इस बारे में। रात को गए हुए थे ना? नहीं एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है ना, इसलिए मैं अच्छा आगे चलाएं ना इसको। आज मैंने एक लड़की को कहते सुना कि बाबा मुझे छोड़ के गए, तो मुझे दुनिया वालों ने बताया जिन लड़कियों का बाप नहीं होता उनका कोई नहीं होता।
ऐसा नहीं है। अब इस बात पे एक बात है मेरे जहन में, मैं अभी वो कर नहीं सकता। इंशाल्लाह फिर कभी इस बारे में बात करेंगे हम। अली भाई। जी भाई। बाप के लिए एक लाइन हो जाए। खुद के कपड़े चाहे 3 साल पुराने क्यों ना हो, लेकिन खुद के कपड़े बनाने के बजाय कहीं से उधार पकड़ कर अपने बच्चों को नए कपड़े दिलवाने वाला अजीब शख्स बाप होता है। मैं मांगता हूं तेरी तंदुरुस्ती। मैंने जितनी देर अपने वाले साहब को देखा है और मैंने ये देखा है कि ईद पे उनके जो है ना कपड़े वगैरह जो है पुराने ही या वही इस्त्री करके उन्होंने पहन लिए, तो हमारे हमेशा ही नए कपड़े आए। और मैंने देखा है ये बार ज़्यादा टाइम नहीं उनके साथ गुजार पाया हूँ। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उसको तेरी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा जब उसको कोई धोखा देगा और तू किसी के पास होगा। ये चीज जो है ना खतरनाक है। और यही मजे का बनाती है वीडियो को एंड स्लो मो इनके। सुनो लड़कियों, अगर तुम्हारा भाई चिड़चिड़ा हो जाए या घर में सबसे हंसी मजाक बंद कर देना, तो समझ जाना तुम्हारी जैसी किसी नादान लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया। ओह सो गाइस, थोड़ा वेट करते हैं, अजान हो रही है, उसके बाद हम आते हैं आपके पास। सो गाइस, अजान ख़त्म हो गई है तो अब आगे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अजान मुकम्मल हो गई है तो हम अभी जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे। अपना किरदार ऐसा रखो जनाब कि लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें, सर्च। हम भी इस कोशिश में जारी हैं। नहीं, हमारी भी ये कोशिश जारी है। अली भाई। जी भाई। सच्चे दोस्त कैसे होने चाहिए? दोस्त हालात को बदलने वाले होने चाहिए, ना के हालात के साथ बदलने वाले। ये बिल्कुल नहीं है, सही बात बोली है। और ये चीज मैं पूरी वीडियो में बोल रहा हूँ, ये चीज स्लो मो कुछ टाइम और उसके बाद बस इतनी वीडियोस थी। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी, मतलब इनकी वीडियोस यहीं तक थी। तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर क्या, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इनका स्टाइल और एटीट्यूड, बहुत ही मज़े की सब चीज़। एडिटिंग भी काफ़ी माशाल्लाह प्यारी थी। और हमारे बड़े भाई हैं, वो भी इस चीज़ पे जो है ना कर रहे हैं काम। तो उम्मीद करते हैं, हाँ उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसे ही एडिट किए जाएं। तो माशाल्लाह काफ़ी मज़े की थी इनकी वीडियोस। और आप भी कमेंट करके बताएं कि इनकी वीडियोस आपको कैसी लगी। हमें तो बहुत माशाल्लाह इनकी जो वर्डिंग थी जो वो काफ़ी टची सी थी, जैसे इनमें सब कुछ वो फेस किया हुआ, लाइक रिश्तेदारों पर और करीबियों पर जो टोंट नहीं कर रहे थे। हाँ। वो लग रहा था काफ़ी मैंने फील की हुई है वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, जो अंदर से निकल गया, एक दिल का दर्द जो है ना जुबान पे आ रहा। तो मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, मैंने जस्ट एक जनरल बात की है, सो सीरियस नहीं लेना इसका। तो गाइज, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको और आगे किस पर रिएक्शन है। देखें, आप जैसे भाई ने अपनी जो है रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमें, हाँ उन्होंने हमें बोला है, तो देखिए हमने उनकी रिक्वेस्ट पे जो है ना पूरा अमल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप भी अपनी ख्वाहिश बताएं कि कौन सी वीडियो पे आपको रिएक्शन चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस वीडियो पे रिएक्शन दें। तो सो गाइस, जो है कॉन्टैक्ट के आपको सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो बस यहीं तक, दुआ में याद रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।